हेलो क्यूरियस पीपल, मैं हूं सम्राट धवन और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों कुछ प्लांट्स की प्रजातियां कांटेदार होती हैं। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे इस ब्लू प्लेनेट अर्थ पर लगभग 3.1 ट्रिलियन प्लांट्स हैं। सभी प्लांट्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान अपने लिए भोजन व ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेते हैं व ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। लेकिन याद रहे, श्वसन क्रिया के दौरान पौधे भी हम इंसानों की तरह ऑक्सीजन गैस इनहेल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। हम इंसान अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ पौधों की प्रजातियों से फल व फूल तोड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये कांटेदार होती हैं। तो आखिर इन पौधों में कांटे कहाँ से आए? इसका एक वर्ड में आंसर है सर्वाइवल। वैसे इसकी शुरुआत हुई लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक जगह स्थित थे जिसे हमने पैंजिया नाम दिया। इस पैंजिया में उस समय क्लाइमेट बदल रहा था और कुछ एरिया में सूखा पड़ रहा था, तो उस समय पौधों को जिंदा रहने के लिए एक नई रणनीति की आवश्यकता पड़ी, जिसमें पौधों ने खुद को शंकुआकार व कांटेदार रूप में विकसित किया। चलिए जानते हैं कांटेदार होने से इन्हें जिंदा रहने में कैसे मदद मिली। फर्स्ट, वाष्पीकरण में कमी। पौधे अपने छिद्रों के माध्यम से नमी खो देते हैं जो उनके पत्तों व तनों पर होते हैं, इसलिए इन रेगिस्तानी पौधों को उनसे बचने की आवश्यकता पड़ी ताकि उनके पास नमी के न्यूनतम स्तर को लॉक किया जा सके। इसलिए इन पत्तियों में छिद्र नहीं होते, छिद्रों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे नमी की मात्रा को कम नहीं होने देते और पानी का संरक्षण करते हैं। सेकंड, शाकाहारी जीवों से सुरक्षा। क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं, जब शाकाहारी जीव इनको खाने के लिए आते हैं तो ये भाग नहीं सकते, तो इन्होंने खुद को इन शाकाहारी जीवों से बचाने के लिए कांटों को विकसित किया, क्योंकि रेगिस्तान में इन्हें जिंदा रहने के लिए इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। इन पौधों को शाकाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है तो इन्हें दोबारा अपनी ग्रोथ करने में काफ़ी मुश्किल होती है। कुछ पौधों की प्रजातियों के कांटे इतने जहरीले होते हैं कि यदि ये जीवों को लग जाएं तो उनकी मौत भी हो सकती है। रेगिस्तानी इलाकों में अधिक तूफान आते हैं, कांटेदार पौधों से हवा आर पार बह सकती है जिस कारण से इनकी तूफान में गिरने की संभावना घटती है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर करें। कमेंट्स करें यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है और आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर लाता रहूँगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।